ये हमने मिट्टी लिया है, काली मिट्टी है गड़े वाली, और इसमें नीम की पत्तियां डाली है। नीम की पत्तियों के साथ में सेन खत भी मिक्स कर रहे हैं, तो मतलब 50% मिट्टी, 50% सेन खत, तो बाकी नीम बिखेर देना, और इसके ऊपर डायरेक्ट आप मिट्टी ऐसी डालना कि इसके ऊपर ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए कैसे क्या करना है डालना है, कभी भी डालने के लिए ऐसे ये करना है। ये धनिये की प्रोसेस है, ये धनिये ज़्यादा अंदर चले जाते हैं तो उगते नहीं है, बीच के बाद में पानी डालना है, पानी we'll be right back.
आप डायरेक्ट मिट्टी डालते हो उसके ऊपर तो बहुत स्लो ग्रोथ होता है, ये बहुत तेजी से ग्रोथ होगा क्योंकि पेड़ को भी ताकत चाहिए ना उसको आने के लिए, वो छोटा जान रहता है। तो चलो वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फिर से नए वीडियो में नए देख सकते हैं आप, इसको जड़ आ रही है, इतनी जड़ आ रही है। ओ आप घर पे पानी में मार्केट से भी पाइनएप्पल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप भलाई वो पाइनएप्पल के उसके आ गए तो आपको 100 पेड़ मिल जाएंगे या 50 पेड़ मिल जाएंगे, आप जितना बोलेंगे उतना। वो कचरा ही है उनके लिए, कचरा फेंकने का ही काम करते हैं, लेकिन आप आपके लिए वो पेड़ है। तो ऐसे आप घर पे ग्रो कर सकते पाइनएप्पल का पेड़, तो ध्यान रखना आप भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जर्मिनेट हो रहे अच्छा खासा, ये पालक
ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ में है गोभी। कंट्रोल हो जाएगा 100%।
भी देखे, आप दिखे हो देखते हैं कब तक ऊपर आता है। गेहूँ बोया था, ये पापा के लिए जूस, मतलब इसका एक जूस बना के पियेंगे।
खास करके ऐसी पत्तियां पहले हटा देना, ऐसी रोग वाली पत्तियां कचरा डालने का पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार होते हैं, पूरा ऑर्गेनिक।
ये तो सूख गया, लेकिन ये जड़ को लग गया।